नव वर्ष 1 जनवरी सन 2024 पौष मास कृष्ण पक्ष पंचमी सोमवार मघा नक्षत्र आयुष्मान योग सिंह राशि के चंद्रमा पर धन लग्न में प्रवेश हो रहा है। लग्न में सूर्य मंगल विद्यमान है। तृतीय भाव में शनि स्वराशि के विद्यमान है। राहु चतुर्थ भाव में, गुरु का ग्रह पंचम भाव में, चंद्रमा भाग्य का स्वामी है। केतु दशम भाव में, बुध एवं शुक्र द्वादश भाव में स्थित है। पिंगला नाम का संवत्सर 8 अप्रैल सन 2024 तक रहेगा। इस संवत्सर का मालिक राहु है। वर्ष का स्वामी मंगल एवं उप स्वामी बुध है। मंत्री शुक्रदेव है। सन 2024 भारत वर्ष के लिए श्रेष्ठतम रहेगा। भारत की यशोगाथा आगे बढ़ेगी। देश विदेश में नाम होगा। विदेशी शक्तियां भारत की बात को मान्यता देंगी। भारत के भीतर के राज्यों में विग्रह अशांति झगड़े का योग रहेगा। महिलाओं पर अत्याचार आगजनी लूटपाट बलात्कार के योग बनेंगे। विकास के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यों में भारत अग्रणी होगा। गुरु का पंचम भाव में मंगल के घर में होना देश में जनमानस में धर्म एवं ईश्वर के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास अटूट बनकर अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह जैसा भव्य आयोजन होगा। देश विदेश में इस कार्य से भारत को प्रशंसा मिलेगी एवं पुणे केंद्र में सशक्त पार्टी के रूप में भाजपा का रामराज के रूप में स्थापना होगी। भारत का भाग्य उदय विकसित होगा। जनमानस को रोजगार कृषि व्यवसाय व्यापार में वृद्धि होगी। जल थल नभ के क्षेत्र में तीनों से नाग विकसित योग बनेगा और सीमा सुरक्षित होकर देश में अमन चैन शांति का योग बनेगा। केतु का दशम भाव में होना पार्टियों में बिखराव अशांति होकर प्रदेशों में झगड़ा परेशानी का योग बनेगा। द्वादश भाव में बुध एवं शुक्र का होना धार्मिक कार्यों एवं विकास के कार्यों में भारत अग्रणी होगा। विश्व के पटल पर भारत अग्रणी देश बनेगा। 12 राशियों पर मेष राशि सन 2024 में श्रेष्ठतम योग रहेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। विदेश यात्रा एवं घर परिवार में सुख संपदा की वृद्धि होगी। वृषभ राशि सामान्य तैयार व्यापार कृषि परिवार में शेष रहेगी। मिथुन राशि के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। व्यापार बिजनेस परिवार सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। कर्क राशि के लिए बीमारी एवं चोट के साथ में व्यापार बिजनेस शुभ रहेगा। सिंह राशि का भाग्योदय होगा। विदेश योग बनेगा। बिजनेस में नवीनीकरण होगा एवं अचूक चांस मिलेंगे। कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य में परेशानी ऑपरेशन शॉर्ट एक्सीडेंट परिवार में कलह एवं पूरा वर्ष रोग अशांति में रहेगा। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष समानता सभी क्षेत्रों में शुभ रहेगा। मकान स्थान बिजनेस संतान पक्ष में श्रेष्ठ रहेगा। वृषक राशि वालों के लिए यह वर्ष खर्चा यात्रा मकान स्थान के कार्यों के शुभ योग बताएगा। राशि वालों के लिए यह मानसिक चिंता पारिवारिक चिंता एवं बिजनेस व्यापार क्षेत्र में श्रेष्ठ होकर नवीनीकरण योग। मकर राशि वालों को प्रॉपर्टी शेयर बिजनेस यकायक लाभ होगा। घर परिवार में सुख शांति एवं वातावरण शुद्ध होगा। कुंभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम रहेगा। मशीनरी प्रॉपर्टी बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में अनेक को लाभ होकर यात्राओं का योग संतान पक्ष एवं परिवार में खुशी का योग बनाएगा। राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं ऑपरेशन एक्सीडेंट दुर्घटनाओं का योग रहेगा। हर क्षेत्र में नुकसान होगा। राजनीतिक परेशानियों एवं अशांति रहेगी। इस वर्ष को सुख एवं शांति समृद्धि के लिए ईश्वर की आराधना तीर्थ यात्रा दान पुण्य हवन पूजन मंत्र जाप करना शेष रहेगा। राजस्थान प्रदेश के लिए यह वर्ष शुभ कार्य रहेगा। विकास उत्थान उन्नति नए आयाम खड़े होंगे। राजस्थान प्रदेश में कृषि उद्योग व्यापार सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ योग रहेगा। पुष्कर तीर्थ का विकास होगा। अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। पुष्कर तीर्थ के लिए सन 2024 श्रेष्ठतम रहेगा। 1 जनवरी सन 2024 को पौष मास कृष्ण पक्ष की पंचमी सोमवार को मघा नक्षत्र आयुष्मान योग सिंह राशि के चंद्रमा पर इस बार धन लग्न में वर्ष प्रवेश हो रहा है। ऐसा ज्योतिष खगोली विज्ञान के अनुसार इस बार लग्न में सूर्य और मंगल विद्यमान है। तीसरे स्थान पर शनि भगवान स्वराशि कुंभ राशि पर विद्यमान है। राहु चतुर्थ भाव में है। गुरु का ग्रह पंचम भाव में है। चंद्रमा भाग्य के स्वामी है और केतु दशम भाव में है और बुध एवं शुक्र द्वादश भाव में है। पिंगला नाम का ये संवत्सर 8 अप्रैल सन 2024 तक ये रहेगा। इस संवत्सर का मालिक जो है राहु है और वर्ष का स्वामी मंगल है एवं उप स्वामी बुध है। मंत्री इस वर्ष के शुक्रदेव हैं। सन 2024 भारत वर्ष के लिए श्रेष्ठतम रहेगा। भारत की यशोगाथा आगे बढ़ेगी। विदेशों में भारत का नाम बढ़ेगा और इनमें मान्यता देंगे। भारत के भीतरी भाग्यों में राज्यों में विग्रह के योग मंगल और शुक्र के हिसाब से बनने के आसार रहेंगे। महिलाओं पर अत्याचार आगजनी लूटपाट बलात्कार के योग बनेंगे। विकास में भारत एक नंबर पर आएगा। टेक्नोलॉजी में
इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग कार्यों में भारत अग्रणी होगा। गुरु का पंचम भाव में मंगल के घर में होना देश में जनमानस में धर्म के प्रति ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा होगी और अयोध्या में श्री रामलला का जो मंदिर है उसकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भव्य समारोह होगा। इससे भारत का देश और विदेशों में नाम बढ़ेगा और भारत को प्रशंसा मिलेगी एवं पुनः केंद्र में इस कार्य को लेकर सशक्त पार्टी का योग बनेगा जो भारत के उदय विकास के लिए होगा। जनमानस को रोजगार कृषि व्यवसाय व्यापार में वृद्धि होगी। जल थल नभ के क्षेत्रों में तीनों में सेनाओं का विकसित योग बनेगा। सीमा सुरक्षित होकर देश में अमन चैन और शांति का योग बनेगा। केतु का दशम भाव में होना पार्टियों में बिखराव अशांति होकर प्रदेशों में झगड़ा परेशानी का योग अवश्य होगा। द्वादश भाव में बुध एवं शुक्र का होना धार्मिक कार्यों में भारत अग्रणी होगा। विश्व के पटल पर भारत का नाम होगा। 12 राशियों पर भी इसका विशेष असर रहेगा जो निम्न प्रकार है। मेष राशि के लिए सुख और समृद्धि कारक है। वृषभ राशि के लिए सामान्यतया ठीक है। मिथुन राशि के लिए वर्ष बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कर्क राशि के लिए बीमारियों चोट के साथ ये बीतेगा। सिंह राशि के लिए भाग्य का उदय और विदेश का योग बनेगा, नवीनीकरण होगा। कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य में परेशानी ऑपरेशन चोट एक्सीडेंट का योग बनेगा और तुला राशि के लिए वर्ष समान रहेगा, सभी क्षेत्रों में अच्छा योग बनेगा। मकान स्थान संतान के लिए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए खर्चा यात्रा मकान के कार्यों के साथ शुभ कार्य योग भी बनेंगे। धन राशि वासियों को के लिए मानसिक चिंता पारिवारिक कष्ट और चिंता बिजनेस व्यापार क्षेत्र में अनूठा योग भी बनेगा। मकर राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी शेयर बिजनेस ये कायक उसमें लाभ होगा। घर परिवार में सुख शांति और वातावरण अच्छा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम योग बनेगा। मशीनरी प्रॉपर्टी बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में अनेकों लाभ होंगे और मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए वर्ष अच्छा नहीं है, उनको अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए, एक्सीडेंट या दुर्घटनाओं का योग बन सकता है। इन सब सुख शांति के लिए 12 राशियों को तीर्थ यात्रा दान पुण्य हवन पूजन सूर्य आराधना करना चाहिए। राजस्थान प्रदेश के लिए विशेष तौर पर ये सन 2024 श्रेष्ठ रहेगा। विकास के कार्य बनेंगे, उन्नति का श्रेष्ठ योग बनेगा और पुष्कर क्षेत्र के लिए भी ऐसा ज्योतिष बता रहा है कि अधूरे कार्य पूरे होंगे और पुष्कर तीर्थ का विकास होगा और ज्योतिष संबंधित सारे कार्यों में पुष्कर अग्रणी रहेगा। पुष्कर का नाम भी पटल पर आएगा। देखिए कृषि क्षेत्र कुछ सूखा और कुछ गीला योग बनेगा और ऐसा ज्योतिष बताता है कि कृषि के क्षेत्र में भारत अग्रणी रहेगा। ऐसा योग नहीं है कि जहां वर्षा का योग भी है और कहीं सूखे का योग है, दोनों का मिश्रण होकर के और भारत में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनने के संकेत हैं।